नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जालौर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे तथा जालौर और दिल्ली सल्तनत के मध्य हुए संघर्ष की चर्चा भी इसके अंतर्गत करेंगे। विद्यार्थियों, जिस प्रकार रणथंभौर के चौहान एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में थे, उसी प्रकार जालौर के चौहान भी तुर्की सल्तनत के लिए कांटे के समान थे। जालौर मारवाड़ राज्य की सीमा का सुदृढ़ किला था, जहाँ से गुजरात तथा मालवा की ओर दिल्ली से मार्ग जाते थे। सुल्तानों की दक्षिण विजय के स्वप्न को साकार बनाने के लिए यह नितांत आवश्यक था कि वे जालौर जैसे सुदृढ़ गढ़ को अपने अधिकार में रखें। इसी कारण समय समय पर यहाँ के शासकों का और तुर्कों का संघर्ष चलता रहा। विद्यार्थियों, प्रारंभ में जालौर का जो दुर्ग है वो परमारों के अधीन था, जो परिस्थिति के अनुकूल कभी स्वतंत्र और कभी चालुक्यों के अधीन सामंत रूप में रह चुके थे। विद्यार्थियों, जालौर का जो चौहान राज्य है उसकी स्थापना नाडोल शाखा के एक प्रतिभा संपन्न कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी के लगभग जालौर को प्रतिहारों से छीनकर की थी। इस जालौर के चौहान राज्य का जो अंतिम शासक था वो कानड़दे चौहान था। विद्यार्थियों, जालौर के चौहान राज्य का अंत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जिस प्रकार रणथंभौर के चौहान वंश का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया, वैसे ही जालौर के चौहान वंश का अंत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया। जालौर के चौहानों के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। जालौर के चौहानों और दिल्ली सल्तनत के मध्य संघर्ष की जानकारी हेतु निम्नलिखित स्रोत है। विद्यार्थियों, पहला है पद्मनाभ रचित कानहरदे प्रबंध ग्रंथ, दूसरा है मोणोत नैनसिरी ख्यात मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता तथा अमीर खुसरो की रचनाएं तथा मकराना का शिलालेख। अब हम जालौर के चौहानों की तथा जालौर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन अभिलेखों में जालौर का जो नाम है वो जाबालीपुर मिलता है। जालौर दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी, जिसे अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। सोनगढ़ पर्वत के नाम से चौहानों की ये जो जालौर वाली शाखा है ये सोनगरा कहलाई, अर्थात जालौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं, क्योंकि ये जो जालौर का दुर्ग है वो सोनगढ़ पर्वत पर बना हुआ है। जालौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लौर। जो जाल का अर्थ होता है, जाल एक पेड़ है, आप विद्यार्थी परिचित होंगे, मारवाड़ में भी जाल के पेड़ मिलते हैं, तो जाल एक पेड़ होता है, और लौर लौर अर्थात सीमा, तो जाल के पेड़ों की सीमा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, जालौर। प्रतिहार शासनकाल 8वीं से 11वीं सदी के प्रारंभ तक में जालौर एक समृद्धिशाली नगर था। नागभट प्रथम ने भीनमाल, जो कि जालौर के अंतर्गत आता था, भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। 10वीं सदी के अंत में धार के परमार शासक मुंज ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जालौर के परमारों का अंतिम शासक कुंतपाल, जो कि गुजरात के चालुक्य नरेश की अधीनता स्वीकार कर ली थी कुंतपाल ने। नैणसी की ख्यात के अनुसार इस समय जालौर और सिवाना पर क्रमशः परमार, जालौर पर परमार कुंतपाल और सिवाना पर वीर नारायण का शासन था। इनके दया सरदार ने इनके साथ विश्वासघात करके इन्हें कीर्तिपाल चौहान के द्वारा समाप्त करवा दिया। कीर्तिपाल अथवा कित्तू, कीर्तिपाल का अन्य नाम कित्तू चौहान भी मिलता है। विद्यार्थियों, नाडोल के चौहान राजा अलहन का सबसे छोटा पुत्र था कीर्तिपाल। अपने पिता से इसको 12 गांव जागीर में मिले। पिता की मृत्यु के पश्चात कीर्तिपाल मेवाड़ में भाग्य आजमाने का निश्चय करता है। मेवाड़ पर जो सामंत सिंह का शासन था उस दौरान, और मेवाड़ के अधिकांश सामंत वे गुजरात के चालुक्य सामंत सिंह के शत्रु हो चुके थे। कीर्तिपाल ने गुजरात के चालुक्यों की सहायता से सामंत सिंह को खदेड़ मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, परंतु मेवाड़ के सामंतों ने सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह को मेवाड़ का
राजा घोषित कर दिया। इसके बाद मेवाड़ी सरदारों ने चालुक्यों का सहयोग प्राप्त कर कीर्तिपाल को मेवाड़ से खदेड़ दिया। विद्यार्थियों, चालुक्यों के विश्वासघात से कीर्तिपाल अत्यधिक खिन्न हुआ और उनसे बदला लेने के लिए उसने गुजरात सीमा से सटे हुए गुजरात सीमा से सटा हुआ जो क्षेत्र था जालौर का क्षेत्र वो परमारों से छीन लिया। चूंकि इस पर परमारों का शासन था और जो परमार थे वो गुजरात के चालुक्यों को कर देने वाले सामंत थे, तो उनसे बदला लेने के लिए उनके सामंतों से जालौर क्षेत्र छीन लेता है और उसको अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की नींव कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी के लगभग रख दी। नैणसी ने कीर्तिपाल को कित्तु एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया है। सुंडा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर कहा गया है कीर्तिपाल चौहान को। नेक्स्ट जो शासक बनता है वो है समर सिंह, जो कि कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था। समर सिंह ने जालौर दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ प्राचीर बनवाई, कोष्ठागार, शस्त्रागार और विविध प्रकार के यंत्रों का निर्माण करवाया तथा कई मंदिरों का निर्माण भी इसने करवाया। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर गुजरात से फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध समर सिंह ने कायम किए। महत्वपूर्ण है, समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से। इसके साथ ही नाडोल, भीनमाल, रतनपुर, बाड़मेर जीतकर समर सिंह ने अपने राज्य का विस्तार भी किया। समर सिंह के बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ उदय सिंह, जिसका शासनकाल 1205 से 1257 ईस्वी तक रहा, ये एक पराक्रमी सेनानायक निकला। सुंदा शिलालेख से ज्ञात होता है कि उदय सिंह ने मंडोर, नाडोल, बाड़मेर, रदाद्रा, रामसीन, भीनमाल, खेड़ा, रतनपुर, सांचौर आदि स्थानों को जीत लिया। उपयुक्त स्थानों में से जो अधिकांश स्थान थे वो गुजरात के मंत्री लवण प्रसाद के अधीन थे और लवण प्रसाद को पराजित करके ये स्थान प्राप्त किए थे। मेवाड़, गौड़वाड़ के कुछ भाग भी उदय सिंह ने जीत लिए। सुंदा शिलालेख के अनुसार उसने तुर्कों की शक्ति को नियंत्रित कर दिया। इस दौरान उदय सिंह के समय जो चौहान और चालुक्यों का पुराना संघर्ष फिर से शुरू हो गया। ताज उल मासिर से भी इस बात की पुष्टि होती है कि उदय सिंह ने तुर्कों की शक्ति को नियंत्रित कर दिया था। ताज उल मासिर, जो कि हसन निजामी की पुस्तक है, इसके अनुसार 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालौर के विरुद्ध अभियान किया। जालौर दुर्ग को हर संभव जीतने का उपाय इल्तुतमिश ने किया, पर इल्तुतमिश असफल रहा और अंत में उसे एक समझौता करना पड़ा जिसके अनुसार उदय सिंह द्वारा सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने तथा 100 ऊंट और 20 घोड़े भेंट में देने पर इल्तुतमिश ने उसको राज्य वापस लौटा दिया और वापस दिल्ली चला गया। इल्तुतमिश जालौर पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने में असफल सिद्ध हुआ। 5 वर्ष बाद उदय सिंह ने मेवाड़ और गुजरात के साथ मिलकर इल्तुतमिश की प्रगति को रोकने का प्रयास किया, जब इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण कर गुजरात की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। 1254 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा जालौर पर किए गए आक्रमण को भी उदय सिंह ने विफल कर दिया। महमूद की सेना परास्त हुई तथा कान्हाड़दे प्रबंध में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है चाचिक देव, जिसका शासनकाल 1257 से 1282 ईस्वी तक रहा। ये उदय सिंह का पुत्र था, 1257 में जालौर का शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था और उन दोनों के समय जालौर मुस्लिम आक्रमण से बचा रहा तथा गुजरात के चालुक्यों ने भी जालौर की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था। इसके विरुद्ध थे उपाधियां थी महाराजा धीराज, महाराज कुल इत्यादि। चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह उत्तराधिकारी हुआ। 1282 से 1305 ईस्वी तक उसने शासन किया। इसके समय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1291 में
जलालुद्दीन खिलजी सांचौर तक बढ़ाया था, जिसे बाघेला सारंगदेव की सहायता से वापस ढकेला सामन सिंह ने। सामन सिंह चूंकि वृद्ध हो चुका था और वो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था, इस कारण उसने ये अनुमान लगा लिया था कि उसके जैसा वृद्ध शासक मौजूदा चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। अतः उसने अपने राज्य की जो बागडोर है वो अपने युवा पुत्र कान्हड़दे को सौंप दी। कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी। कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष की जो जानकारी के स्रोत हैं वो है अमीर खुसरो और बर्नी की रचनाएं, कान्हड़देव प्रबंध, बीरमदेव सोनगरा की बात, मूणोत्रे, नैनसिरी ख्यात इत्यादि। कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के कारण। विद्यार्थियों, कान्हड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का जो पहला कारण है वो है कान्हड़देव द्वारा खिलजी सेना को जालौर राज्य में गुजरने की अनुमति न देना। कान्हड़देव प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सोमनाथ के मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात को जीतने के लिए उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। कान्हड़देव को ये संदेश भेजा कि वह शाही सेना को अपने राज्य से गुजरने दे। कान्हड़देव ने सुल्तान का अनुरोध ठुकरा दिया। शाही सेना ने इस वक्त कान्हड़देव से संघर्ष करना उचित न समझकर शाही सेना मेवाड़ के मार्ग से गुजर गई। गुजरात और काठियावाड़ को जीतने के बाद सोमनाथ के मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ लौटती बार जो विजयी सेना थी वो जालौर की सीमा से गुजरी। कान्हड़देव ने शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कान्हड़देव ने अपने मंत्री जेता देवड़ा को उलुग खां के पास भेजा ये पता करने के लिए कि जो विरोधी सेना है वो शाही सेना की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा अपना विरोध प्रकट करने के लिए कि आप हमारे राज्य से कैसे गुजर रहे हो। कान्हड़देव ने मंत्री जेता देवड़ा को इस उद्देश्य से उलुग खां के पास भेजा था कि एक तो उसको अपना विरोध दर्ज करवाना था और दूसरा शाही सेना की वास्तविक स्थिति क्या थी या उनके पास कितने सैनिक है ये सारी जानकारी प्राप्त करने हेतु भेजा। जेता देवड़ा ने वापस लौटकर कान्हड़देव को सलाह दी कि इस समय शाही सेना पर आक्रमण करना अनुचित है। दूसरा जो है वो है कारण अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़देव के मध्य संघर्ष का कि गुजरात से लौटती हुई खिलजी सेना पर आक्रमण। कुछ विद्वानों के मतानुसार जेता देवड़ा ने 9 मुस्लिम नेता के साथ मिलकर आगे की योजना पर विचार किया था और 2 दिन बाद ही जब मुस्लिम सैनिकों ने शाही शिविर में विद्रोह कर दिया तो जेता देवड़ा के नेतृत्व में जो राजपूत सैनिक थे उन्होंने भी शाही सेना पर धावा बोल दिया और गुजरात की लूट का कुछ अंश लूट कर ले गए। कहा जाता है कि सोमनाथ की मूर्ति के 5 टुकड़े भी इस दौरान राजपूतों को हाथ लगे जिन्हें बाद में कान्हड़देव ने 5 शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित करवाया। तीसरा कारण है खिलजी सेनापति एनुल मुल्क का जालौर पर आक्रमण। फरिश्ता व हाजी उदवीर के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने एनुल मुल्क मुल्तानी को जालौर पर आक्रमण करने भेजा। मुल्तानी ने कान्हड़देव को समझा बुझाकर सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया और गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन दिलाकर मुल्तानी कान्हड़देव को दिल्ली ले गया। परंतु खिलजी दरबार में अपनी स्थिति असम्मानजनक प्रतीत होने के कारण कान्हड़देव वहां से भागने की सोच रहा था कि एक दिन सुल्तान ने अत्यंत दंभ में कहा कि हिंदू राजाओं में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी सैनिक शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सके। कान्हड़देव को इससे अत्यधिक दुख हुआ और उसको ये शब्द छुप गए और
सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालौर लौट आया और इसी चुनौती के कारण कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष है वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट है राजकुमारी फिरोजा द्वारा वीरमदेव से प्रेम करना। विद्यार्थियों मोहनोत नैणसी के अनुसार कानड़देव के साथ उसका पुत्र वीरमदेव भी दिल्ली गया था और वो अलाउद्दीन के दरबार में सुल्तान की सेवा में जाया करता था। अलाउद्दीन के हरम की एक राजकुमारी फिरोजा वीरम से प्रेम करने लगी। जब हरम की महिलाओं और सुल्तान को इस बात का पता लगा तो उन्होंने राजकुमारी को अपना विचार बदलने के लिए बहुत डराया धमकाया, परंतु वे इसमें असफल रहे तो वीरम को राजकुमारी से विवाह करने के लिए बाध्य करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। विद्यार्थियों वीरमदेव तुरक कन्या से विवाह करना अधार्मिक समझता था और इसी कारण वो चुपके से जालौर लौट आया। मानहानि से शुद्ध सुल्तान ने जालौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और कानड़देव प्रबंध में इस घटना के उपरांत का उल्लेख मिलता है। ये जो घटना का उल्लेख है मूणोत नैणसी ने दिया है वीरमदेव फिरोजा प्रेम का, और इस घटना के उपरांत का जो विवरण है वो हमें कानड़देव प्रबंध में मिलता है। किसाई सेनाओं को जालौर पर अधिकार करने में जब सफलता नहीं मिली तो राजकुमारी फिरोजा स्वयं जालौर गई। कानड़देव ने उसका आदर सत्कार तो किया परंतु पुत्र से विवाह कराने से इनकार कर दिया। राजकुमारी हताश होकर दिल्ली लौट गई। सुल्तान ने राजकुमारी की दाई के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण करने सेना भेजी। यह कहकर सेना भेजी कि वीरम बंदी हो जाए तो जीवित और अगर मृत्यु हो जाए धराशायी हो जाए तो सिर लाया जाए यहाँ। वीरम लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, सिर दिल्ली ले जाया गया और वहाँ राजकुमारी पहले तो उसके साथ सती होना चाहती थी परंतु बाद में उसने विधिवत दाह संस्कार करवाया और फिर स्वयं फिरोजा यमुना में कूदकर मर गई। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के अन्य कुछ कारण हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। विद्यार्थियों हम अच्छे से जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना। वो सिकंदर सानी की उसने उपाधि भी धारण की थी और वो सिकंदर की तरह विश्व विजय का सपना भी देखता था, तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण भी उसने जालौर पर आक्रमण किया। तथा जालौर का सामरिक महत्व, जालौर का जो दुर्ग था अत्यंत सुदृढ़ था और ऐसे दुर्ग पर अधिकार स्थापित करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा जालौर का भौगोलिक महत्व, चूँकि जालौर दक्षिण के मार्ग में पड़ता था, गुजरात और दक्षिण जाने के बीच के मार्ग में पड़ता था, तो इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। तो संघर्ष का कारण जो भी रहा हो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तैयारी के साथ जालौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, क्योंकि उत्तरी भारत के अन्य दुर्गों को अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए जालौर की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करना विद्यार्थियों दिल्ली सल्तनत के लिए अति आवश्यक था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना पर आक्रमण। विद्यार्थियों जालौर पर आक्रमण करने से पूर्व शाही सेना ने जालौर से लगभग 30 मील की दूरी पर स्थित सिवाना पर आक्रमण किया। विद्यार्थियों 1308 में सुल्तान ने जालौर पर आक्रमण करने हेतु सेना भेजी थी, तो शाही सेनों ने जालौर के रास्ते में स्थित सिवाना दुर्ग पर विजय प्राप्त करना आवश्यक समझकर 2 जुलाई 1308 को सिवाना पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान शीतलदेव नामक चौहान सरदार दुर्ग का रक्षक था। लंबी घेराबंदी के दौरान सुल्तान का जो सेनानायक था नाहर खां मलिक, वे खानदाद्रा भोज एक और अन्य सेनानायक वो भी मारा गया। काफ़ी प्रयासों के बाद भी विद्यार्थियों शाही सेना विफल रही तो अलाउद्दीन स्वयं सेना के साथ सिवाना रवाना हो गया। कानड़देव प्रबंध और अमीर खुसरो की जो खजाइनुल फुतुह है उसके अनुसार सुल्तान ने एक राजद्रोही सैनिक भावले परमार की सहायता से किले के जो जलकुंड था उसमें गोरक्त मिला दिया, अर्थात किले के जो तालाब था उसमें
गाय का रक्त डालकर उसको अपवित्र करवा दिया, जिससे दुर्गवासियों के लिए जल की समस्या उत्पन्न हो गई तथा लंबी घेराबंदी के कारण विद्यार्थियों खाद्य सामग्री भी समाप्त हो चली थी। इस कारण अपना सर्वनाश निकट जानकर राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर रचाया और राजपूत पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर दुर्ग के फाटक खोल दिए और शत्रु सेना पर टूट पड़े तथा वीर गति को प्राप्त हो गए। शीतलदेव चौहान भी वीर गति को प्राप्त हो गया। कमालुद्दीन गुर्ग ने जब शीतलदेव के शव तथा मस्तक को सुल्तान के सम्मुख उपस्थित किया तो उसके हाथी जैसे शरीर को देखकर अलाउद्दीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अमीर खुसरो ने भी इस युद्ध में राजपूत सैनिकों द्वारा प्रदर्शित शौर्य की प्रशंसा की है। सुल्तान ने अलाउद्दीन ने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद दुर्ग का जो नाम है वो बदलकर खैराबाद कर दिया तथा कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग रक्षक नियुक्त कर सुल्तान वापस दिल्ली लौट गया। सुल्तान की सेना ने सुल्तान के लौटने के बाद बाड़मेर और सांचौर जीता तथा सांचौर के प्रसिद्ध भगवान महावीर स्वामी के जैन मंदिर को तोड़ दिया तथा भीनमाल जो कि चौहानकालीन विद्या का प्रमुख केंद्र रहा था तथा चौहानों की ब्रह्मपुरी के रूप में भी प्रसिद्ध था, उस भीनमाल नगरी को भी नष्ट कर दिया तथा हजारों ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। जब इस घटना का कान्हरदेव को पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ तथा उसने रेवती तथा धानसा के मार्ग से आने वाले उसने अपने कुछ जो कान्हरदेव के जो राजपूत सरदार वगैरह थे उनको सहायता भिजवाने का अनुरोध किया तो रेवती तथा धानसा के मार्ग से आने वाले राजपूत सैनिकों ने खंडाला में शत्रुओं की प्रगति को रोका तथा इससे शाही सेना है वो तितर बितर हो गई। राजपूत सरदार जेता और देवा इस विजय का शुभ समाचार सुनाने के लिए कान्हरदेव के पास जालौर आए, परंतु दूसरी तरफ जो मलिक नायब था उसने भागती हुई तुर्क सेना को संगठित कर लिया और राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। राजपूत जो थे वो जालौर दुर्ग की तरफ भाग खड़े हुए। जालौर पर आक्रमण। राजपूतों का पीछा करते हुए मलिक नायब ने आगे बढ़कर जालौर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। कान्हरदेव प्रबंध के अनुसार कान्हरदेव के पुत्र वीरमदेव तथा भाई मालदेव ने शाही सेना के सभी प्रयत्नों को विफल कर दिया। शाही सेना ने घेरा डाला हुआ था और दुर्ग में प्रवेश के प्रयत्न कर रही थी और वीरमदेव और मालदेव ने इस शाही सेना पर वापस प्रत्याक्रमण करके शाही सेना को मेड़ता की तरफ खदेड़ दिया। इसी दौरान मलकाना नामक स्थान पर राजपूतों ने खिलजी सेना को परास्त कर सेनापति समस खां और उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया। जब सुल्तान को शाही सेना की विफलता की सूचना मिली तो अत्यधिक क्रोधित हो गया और एक शक्तिशाली सेना के साथ वह स्वयं जालौर की ओर चल पड़ा। जालौर दुर्ग का पतन। जालौर पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को नए सिरे से दुर्ग पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा। कान्हरदेव ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया। उसने मालदेव को बाड़ी तथा वीरमदेव को भादरा जून के नाकों पर तैनात कर दिया, परंतु कमालुद्दीन सभी प्रतिरोधों का अंत करता हुआ जालौर दुर्ग तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों में कई दिनों तक भयंकर झड़पें होती रही, जिसमें कभी एक पक्ष की तो कभी दूसरे पक्ष की जीत होती रही, परंतु धीरे धीरे शाही सेना की स्थिति मजबूत होती चली गई। विद्यार्थियों, दुर्ग में गिरे कान्हरदेव और उसके सैनिकों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। लंबे घेरे से दुर्ग में पेयजल और खाद्य सामग्री का भी अभाव हो गया। कान्हरदेव ऐसी नाजुक हालात में कान्हरदेव के एक दया राजपूत सरदार बीका को खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया, जो शत्रुओं की सहायता से जालौर दुर्ग का स्वामी बनने का सपना देख रहा था। बीका ने शाही सेना को जालौर के दुर्ग में प्रविष्ट होने का कम सुरक्षित मार्ग बताया। विद्यार्थियों, एक कहावत है, राई का भाव
राय रा भाव रात ही बीत्या, राय का भाव रातों बीत गया। ये किंवदंती जालौर दुर्ग के बारे में ही प्रचलित है विद्यार्थियों। कहते हैं कि जब जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया जा रहा था तो इसका एक कोना है वो कमजोर रह गया था, एक भाग कमजोर रह गया था। परंतु इसी दौरान सूचना मिली कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आ रहा है, तो तुरंत फुरंत में मिट्टी और गोबर लेपकर उस हिस्से को बंद कर दिया गया। परंतु इसकी जानकारी जो कानड़ देव और उसके दुर्ग में रहने वाले कुछ लोगों को इस बात की जानकारी थी कि दुर्ग का एक हिस्सा है वो कमज़ोर है। तो विद्यार्थियों, जो दैय राजपूत सरदार बिक्का था उसको ये बात पता थी कि दुर्ग का एक हिस्सा कमज़ोर है, उसने परंतु उसको भी ये नहीं पता था कि कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। तो फिर जो मुस्लिम सेनानायक था कमालुद्दीन, उसने युक्ति लगाई। उसे पता था कि जो राई होती है वो एक ही रात में उग जाती है, तो उसने अपने घुड़सवार सैनिकों को रातों रात जालौर के बाज़ारों में भेजा राई खरीदने के लिए और कहा राई दे दियो, राई राई दे दियो सा राई, मुँह मांगिया दाम मिलेगा, जितने आप मांगोगे उतने दाम मिलेगा। तो जालौर के लोगों ने यह नहीं सोचा कि इतने पैसों में राई क्यों खरीदी जा रही है, उन्हें तो पैसों से मतलब था और उन्होंने राइयाँ बेच दी। लेकिन एक लालची सेठ, जब सुबह उसको पता चला किसी सेठ को कि राई रात को मुँह मांगे दामों में खरीद रहे थे कुछ सैनिक, तो वो लेकर सुबह लेकर पहुंचा, राई लेकर पहुंचा और उसने पास से गुजर रहे सैनिक से कहा भैया राई ले लियो राई। तो सैनिक ने कहा भैया राई रा भाव तो राते ही बीत गया, मतलब अब राई से हमें क्या लेना। उन्होंने वो जो राई थी वो जालौर दुर्ग के चारों तरफ बिखेर दी। फिर जहाँ से मिट्टी और गोबर से बना हुआ था जो हिस्सा, वहाँ राई उग गई और उनको पता चल गया कि ये हिस्सा कमज़ोर है। विद्यार्थियों, बिक्का ने चूँकि साई सेना को दुर्ग में प्रविष्ट होने का कम सुरक्षित मार्ग के बारे में जानकारी दी थी, बिक्का की पत्नी को पति के विश्वासघात का पता चलने पर उस देशभक्त महिला ने रात्रि में ही अपने पति को मार दिया और कानड़ देव को इस बात की सूचना दे दी। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मुस्लिम सेना दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। कानड़ देव अनेक सूरवीर सरदारों तथा सैनिकों के साथ शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। वीरमदेव ने बचे हुए सैनिकों को एकत्र कर युद्ध जारी रखा, परंतु दुर्ग में मुस्लिम सेना के घुस आने और अधिकांश राजपूत सैनिकों के मारे जाने से अब विजय की कोई आशा नहीं रह गई थी। अतः राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया तथा अपने को अग्नि में समर्पित कर दिया। वीरमदेव, कुछ पुस्तकों में लिखा वीरमदेव अपने साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुआ। वहीं गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि वीरमदेव ने स्वयं अपने पेट में कटार भोंक ली, यह समझकर कि या तो शत्रु उसे मार देंगे या बंदी बना लेंगे, और अंततः किले पर मुस्लिम सेना का अधिकार स्थापित हो जाता है और ये 1311-12 ईस्वी में मुस्लिम सेना का अधिकार स्थापित हुआ जालौर दुर्ग पर। इस दुर्ग पर विजय की स्मृति में अलाउद्दीन ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जालौर में, जो अभी भी विद्यमान है। विद्यार्थियों, कानड़ देव का भाई मालदेव जालौर पतन के बाद बच निकला था। कानड़ देव के परिवार का ये एकमात्र जीवित सदस्य था। बाद में इसने सुल्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया तथा सुल्तान की सद्भावना अर्जित कर ली। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को जब चित्तौड़ से हटा लिया तो उसके बाद अलाउद्दीन ने उसे चित्तौड़ के दुर्ग का कार्यभार सौंपा था। इस प्रकार 1311-12 ईस्वी में कानड़ देव की जीवन लीला का अंत हो गया। कानड़ देव का मूल्यांकन, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक सूरवीर योद्धा, देशभक्त और चरित्रवान व्यक्ति था। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि उसमें कूटनीति का अभाव था, उसकी महानता और अधिक बढ़ जाती यदि वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा मालवा, गुजरात, सिसोदिया और अन्य चौहानों को साथ लेकर करता।
जो भी हो, जालौर विजय के साथ ही राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुसलमानों का पूर्ण प्रभुत्व है वो कायम हो गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।